हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने मॉर्निंग शूट नहीं किया क्योंकि मुझे करना नहीं था आज का व्लॉग, बट फिर मैं एकदम से प्लान बना मेरा कहीं जाने का, मैंने सोचा क्यों ना कर लेते हैं व्लॉग। अब हो गया है आफ्टरनून, 12 बज गए हैं एग्जैक्ट। मैं जा रही हूँ तिलक नगर कुछ अपने काम से और आपको भी दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं लाऊंगी, क्या मुझे पसंद आएगा। पिंपल ने तो पूरा फेस ही खराब कर रखा है, बट छोड़ो। अभी हम जाएंगे मेट्रो से, मेरे हस्बैंड गए हैं कहीं काम से बाहर और मैं और मेरा देवर जा रहे हैं तिलक नगर। लेट्स गो। हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन अपने जो घर के नियर बाय है। यहाँ पे इतना रश नहीं होता है, ये बहुत ही मतलब हमेशा ही खाली होता है, किसी भी टाइम आ जाओ। ये है फुल आउटफिट और ये मेरा फुल आउटफिट। यहाँ पे आ गई है मेट्रो, अब हम जाएंगे यहाँ से द्वारका। और हमारे यहाँ से द्वारका की हमेशा चेंज करनी पड़ती है। और देखो बिल्कुल रश नहीं है स्टेशन पे, खाली खाली ही रहता है ये वाला स्टेशन हमारे वाला। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा यहाँ से द्वारका, फर्स्ट जाएंगे देन वहाँ से चेंज करेंगे तिलक नगर के लिए। ये है द्वारका, यहाँ से हम कर रहे हैं चेंज। यहाँ से अभी थोड़ा सा चलना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है नेक्स्ट स्टेशन पे जाने के लिए। अभी आ गई है एक्सचेंज वाली मेट्रो, अब इस वाली से हम जाएंगे सीधा तिलक नगर। मेरे हस्बैंड आ गए हैं अपने काम से, रास्ते में ही मिल गए मुझे तिलक नगर। मैंने मुझे था कि आप भी आ जाओ, दोनों चलते हैं साथ में। तो फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए मेरे साथ और अब मैं, हिमांशु और ये, हम तीनों करेंगे रिंग लाइट की शॉपिंग। मुझे लेनी थी रिंग लाइट मेरे लिए, तो हम उसी काम से ही तिलक नगर आए थे। अभी मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ से रिंग लाइट लूँगी, ताकि अगर आपको भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। दो तीन चार माचू पाँच छः, इतने जल्दी होगी बोतल ले ली, इतना अच्छी लगती। चेस चेस चेस। तो रिंग लाइट से पहले मैं आ गई हूँ ज्वेलरी शॉप पे। ये है तिलक नगर में, ये वही शॉप है जहाँ से मैंने अपनी शादी की ब्राइडल ज्वेलरी ली थी। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आपने ज्वेलरी कहाँ से ली है हमें बताइए, तो मैंने सोचा क्यों ना शॉप पे विज़िट कर लिया जाए। और मेरी नथ भी पेंडिंग थी, मतलब मेरे पास थी, वो मुझे उनको रिटर्न करनी थी, तो मैं चली शॉप पे। हम पहुंच गए हैं, आप डिज़ाइंस देख सकते हैं, ये तिलक नगर में है। मैंने खूब यहाँ पे एड़ी के कुंदन पोलका सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ आपको मिल सकता है। और बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन है इसमें, आप चेक कीजिए, मैं आपको पूरी शॉप दिखाऊँगी अच्छे से, हर चीज़ आप देखना। अगर आपको सही लगे तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर शॉप है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मिलता है हर चीज़, रेट भी बहुत अच्छे हैं, रीज़नेबल है और पसंद बहुत जल्दी आता है मुझे। मैं तो देखती हूँ, मुझे हर चीज़ ऐसी लगती है मैं ले लूँ, बस मैं पहन लूँ। अभी आज मैं आई हूँ उस वाली शॉप पे जहाँ से मैंने अपनी खुद की ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी ली थी। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आपने कहाँ से ली, तो मैंने ली थी तिलक नगर से, नॉर्थ इंडिया एम्पोरियम से। मैम बताएंगे शॉप का नेम, ये है मैम शॉप की ओनर। अभी मैम बताएंगे शॉप का नेम क्या है। मैम नॉर्थ इंडिया एम्पोरियम है। अगर आप ब्राइडल ज्वेलरी में सारा डील करते हैं, एडी कुंदन डायमंड पोल की सब मिल जाएगा यहाँ पे आपको, एक्सेसरीज में सारे ऑप्शंस मिलेंगे बिल्कुल।
तो अभी मैं दिखाती हूँ वो सेट जो मैं लेके गई थी अपने लिए। ये सेट है जो मैं अपने लिए लेके गई थी अपनी शादी में। यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वो वाला भी बुकिंग पे गया हुआ है। एग्जैक्ट देख लीजिए आप, ये है, इसमें कलर बीट्स वगैरह इन्होंने उतरवा लिए थे। आप ऐड कराना चाहे तो ऐड करा सकते हैं, और यहाँ पे भी कलर आप चेंज करा सकते हैं। जो आपका लहंगा है उसके अकॉर्डिंग आप कलर करा सकते हैं, बीट्स डलवा सकते हैं। यहाँ पे भी देखो बीट्स चली हुई थी, बट वो मैंने निकलवा दी थी अपने अकॉर्डिंग, तो मुझे ज्यादा बड़ा चीज है तो मैंने ये लिया। अगर आपको छोटा चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं। शॉर्ट हैवी सारे आपको डिजाइन मिल जाएंगे, लाइट हैवी सब ऑप्शंस हैं। इसमें भी आपको लाइट हैवी सब चीजें मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू कस्टमर, जैसे आप प्रेफर करते हैं। नथ में भी बहुत ऑप्शंस हैं, लाइट हैवी शीश पट्टी है ये जो टीके के साथ कई ब्राइड्स नहीं ऐड कराती हैं, तो शीश पट्टी में भी बहुत डिजाइनर पीसेस आपको मिल जाएंगे। एयरिंग्स में भी आप शॉर्ट हैवी सब करा सकते हैं, झुमकी ऐड करा सकते हैं, उतरवा सकते हैं, सब चीजें करा सकते हैं। और रेट भी बहुत रीजनेबल है इनके। परचेज भी कराते हैं हम यहाँ पर, ब्राइडल ज्वेलरी ऑन रेंट परचेज सब कुछ है, सब कुछ है। आपको डायमंड पुलकी ऐसे लॉन्ग हार डबल कंसेप्ट में भी आपको मिल जाएंगे, लाइट हैवी जैसे भी आप। डबल लेयर भी अवेलेबल है, अगर आपको एक ये सिंगल लेना है तो सिंगल ले सकते हैं, और इसके साथ कुछ और ऐड करना है नीचे तो आप नीचे के लिए भी ले सकते हैं। डबल डबल भी इनके पास अवेलेबल है, और काफी अच्छी शॉप है। चीजें कस्टमाइज है अकॉर्डिंग टू ड्रेस, अकॉर्डिंग टू कस्टमर किसको कैसे प्रेफरेंस चाहिए, और रेंज के अकॉर्डिंग भी आप अपनी रेंज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सगन रिसेप्शन के लिए ऐसे एडी ज्वेलरी इस टाइप में देख सकते हैं, जैसे सिल्वर में गाउन के साथ रिसेप्शन गाउन सगन के लिए। मदर ब्राइड सिस्टर वगैरह के लाइट सेट्स सब मिल जाएंगे आपको इस टाइप में, लाइट सेट्स देख सकते हैं आप, जैसे ब्राइड की मदर सिस्टर जिसने भी पहनने हो। ये चोकर भी अवेलेबल है इनके पास, लाइट चोकर, हैवी चोकर, बैंगल, पेंडेंट, एयरिंग्स वगैरह सब चीजें मिल जाएंगी आपको। ये पूरी स्टर्लिंग सिल्वर में 92.5 पे, वो सिल्वर में एयरिंग्स, ये पेंडेंट सेट्स है। तो अगर आपको भी शॉप अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि अपना भी आप ब्राइडल सेट यहाँ से ले, तो मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कस्टमाइज बुटीक भी है साथ में, आप स्टिचिंग भी करवा सकते हैं ब्राइडल ब्लाउजेस वगैरह का। आपका इंस्टाग्राम पेज भी है मैम जी, नॉर्थ इंडिया एम्पोरियम नाम से ज्वेलरी के लिए है, और इंडियन क्लोजेट बाय हिमानी नागपाल बुटीक का नेम है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। इंस्टा पे इन्होंने डिजाइन पोस्ट किए हुए हैं, अगर आपको वहाँ से चाहिए तो आप वहाँ भी ले सकते हैं, वरना शॉप तो आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। कब क्लोज होती है शॉप? वेडनेसडे ऑफ होता है, ऑफ होता है, लेकिन आजकल वेडिंग सीजन पे 7 डेज ओपन है। ओपन है, ओके, थैंक यू, वेलकम। अब हम पहुंच गए हैं रिंग लाइट की शॉप से। हमने काफ़ी सारी शॉप एक्सप्लोर की, काफ़ी सारे डिज़ाइन एक्सप्लोर किए, काफ़ी सारे रिंग लाइट देखे, कुछ बजट में, कुछ आउट ऑफ बजट भी हमने देखा, जो हम सोच के थे उससे बाहर के बजट भी हमने देखे। सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे, तिलक नगर के मेट्रो स्टेशन के पास से ये शॉप थी, काफ़ी अच्छा था, अच्छा बिहेवियर था, इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत ही अच्छी अच्छी रिंग लाइट दिखाई। हमने काफ़ी पूछा, जितना सब कुछ था हमारी जितनी क्वायरी थी हर चीज़ पूछी। देन अभी हमें दिखा रहे कि कितनी क्या लाइटिंग है इसकी, कितने आप चेंज कर सकते हैं इसमें, कलर क्या, फॉन्ट साइज है, क्या कलर है, क्या इंचज है, जितना भी इसके बारे में हमें पूछना था, जो बात करनी थी हम वो सब बात कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल एक ही शॉप पर थे, हमने काफ़ी मार्केट एक्सप्लोर नहीं की क्योंकि रिंग लाइट के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। फिर हमें ये वाली रिंग लाइट पसंद आई, तो फिर मैंने ये रिंग लाइट ली। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, जो मेरे हस्बैंड ने पहले ही मुझे दे दिया है, उन्होंने ही पेमेंट दी थी। तो मेरा बर्थडे आने वाला है 9 फेब को, इससे पहले उन्होंने मुझे ये रिंग लाइट गिफ्ट। अभी हम आ गए हैं लंच करने, रिंग लाइट और स्टैंड हमने परचेज कर लिया है, ये लंच और इवनिंग दोनों मिक्स हो जाएगा। अभी हम खाएंगे डोसा, मैं आपको सब दिखाऊंगी पूरा। साउथ इंडियन पनीर डोसा करते कर खाई थी, पनीर डोसा खाऊंगी। और ये जब वीडियो बनाती हूँ मैं, तो पीछे बैठे हुए ताकि मैं वीडियो बना लूँ आराम से, और अभी खा नहीं रहे, तो मैं बोलूंगी कोई चॉइस ही नहीं थी, हम तो डोसा खाने आए थे। अब हम जा रहे हैं घर, खा लिया, रिंग लाइट भी ले ली, सब ले लिया, रिंग लाइट ले ली। बज गए हैं शाम के 4, अब हम घर जा रहे हैं घर की तरफ। बैठे हैं घर से आगे चुपड़ने के लिए।
मैं तो बहुत थक गई। आप? नो, नॉट एट ऑल। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इतना धूप, इतनी, ऐसा लग नहीं रहा कि जनवरी है, फरवरी है, ऐसा लग रहा है कि मई जून चल रहा है। विदाउट स्वेटर हूँ मैं। और ये जिम जाऊंगा, जिम जाएंगे शाम को, मैं तो जाऊंगी रेस्ट करूँ। एग्जिट, मैं फर्स्ट टाइम जो ससुराल की मेट्रो है वहाँ पे आई हूँ। साथ में मतलब ऐसा होता था कि जब मैं, हम दोनों आते थे मेट्रो में तो ये उठ जाते थे और मैं आई वॉज लाइक हमेशा कि यार कब ऐसा यार कि मैं भी साथ जाऊँगी इनके ना इसी मेट्रो से, साथ साथ हम भी जाए। और आज फाइनली आफ्टर 2 मंथ, शादी के 2 महीने बाद मैं भी इनके साथ इसी वाली मेट्रो स्टेशन पे उतर रही हूँ। आई थिंक थोड़ा और भी लग सकता है आप लोगों को, लेकिन ये मतलब जो पुरानी पुरानी मेमोरीज होती है जो पूरी हो जाती है शादी के बाद, तो बहुत अच्छा लगता है यार कि फाइनली वो सब हो रहा है जो हमने सोचा था हमने शादी से पहले, कि साथ घर जाना, सेम मेट्रो से जाना, सब कुछ हो रहा है। अब देखो ये अभी हम घर पहुंच गए हैं, आपको मैं मिलती हूँ रात को। फिर रात को डिनर के लिए हमने बनाया चावल और राजमा, मेरे मोस्ट फेवरेट है, इसलिए मम्मी ने बनाया चावल राजमा। तो अब हो गई है रात, डिनर भी हो गया है, मैंने कर लिया अपनी ड्रेस चेंज क्योंकि मेहंदी वाले आए हैं भैया, वो अब लगाएंगे मुझे मेहंदी। मैंने ये पिंक सूट पहना है शंख वाला, बहुत ही क्यूट लगता है मुझे, इसलिए मैंने ये पहना है। अब मैं लगाऊंगी हाथों और पैरों में मेहंदी और फिर सोऊंगी। और टाइम हो गया 10:30, बस सोऊंगी 2-3 बजे क्योंकि मेहंदी वाले भैया थोड़े लेट हो गए हैं। भैया लगा रही है मेहंदी पैरों पे मेहंदी लगाई, अभी स्टार्ट किया है, और हाथों पे मेहंदी लगा रखे। बहुत अच्छी मेहंदी लगी मुझे पर्सनली, बहुत सुंदर है मेहंदी। और मुझे कंपनी देते हुए मेरे हस्बैंड देवर और मम्मी मेरे साथ ही है ड्राइंग रूम में, ताकि मुझे अकेला फील ना हो। भैया नाम ढूंढ रहे हैं, भैया
मैंने और मम्मी ने दोनों ने ही मेहंदी लगवानी थी। मम्मी का ऐसा था नहीं मेहंदी लगवाने का, लेकिन फिर भैया ने बहुत बोला तो मम्मी ने मेहंदी लगा ली। मम्मी और मैंने आगे पीछे मेहंदी लगवाई हाथों पे, और सिर्फ मैंने पैरों पे मेहंदी लगवाई। और सच में मेहंदी बहुत सुंदर थी, मतलब सारे डिज़ाइन इतने क्लीन और इतने साफ थे, बहुत सुंदर मुझे अच्छी लगी मेहंदी एकदम। कंप्लीट, और भैया ने बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई है। अगर आपको भी लगवानी है, अच्छी लग रही है, तो मैं इंस्टा पे उनका पेज मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, तो प्लीज़ जिसको जो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट।